अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बावन गजा के श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आरिकारत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अनन्य कृपा से, भक्ति के कागज पर, अनुभूति की कलम से आरिका श्री पूर्णमती माता जी ने अपने हृदय रूपी वीणा के तार को झंकृत किया और उसी झंकार के रूप में प्रस्फुटित हुआ प्रभु भक्ति शतक। नाथ आपकी मूर्ति लख जब मूर्तिमान को लखता हूँ, ऐसा लगता समव शरण में प्रभु समीप ही रहता हूँ। सर्व जगत से न्यारा भगवन द्वार आपका लगता है। अहो अहो आत्मा से निसृत परमानंद बरसता है। नंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया, उसी देश का पता जानने आप शरण में हुआया। ऐसा लगता शिव पथ की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी। राग भाव का राग छोड़ मैं बन जाऊं चिर वैरागी। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी। धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ध्यान कुदाली को पाया। एक अकेले ज्ञान कक्ष में खुद खुद निज सुख पाया। मेरी नंत गलतियों को करुणा कर तुमने क्षम्य किया। पल पल दोष किए हैं मैंने फिर भी आकर दर्श दिया। शक्ति मुझे दो ऐसी भगवन क्षमा सभी को कर पाऊं। सब जीवों में समानता से मैत्री भाव से भर जाऊं। इस कलयुग में आप मिले से अच्छा धन क्या होगा। इन नैनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की मात्र आप दिखते रहना। स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते भी रहना। जग की सब देहात्मा से प्रभु मूरत बिल्कुल न्यारी है। राग द्वेष से भरा जगत प्रभु वीत राग हितकारी है। आप मिल गए पुण्य योग से और अधिक अब क्या पाना। जिन भगवन से निज दर्शन पा अपने में ही खो जाना। नाथ आपके नंद गुणों की थाह नहीं मैं पा सकता। निकट आपके आना चाहूं किंतु नहीं मैं आ सकता। कदमों में नहीं शक्ति प्रभु जी बालक पर करुणा कर दो। दर्श करूं मैं अभी यहीं से नैनों में ज्योति भर दो। पर संबंध छोड़ कर स्वामी द्वार आपके आया हूँ। आप अकेले में ही मिलेंगे ऋषियों से सुन आया हूँ। बाल दृष्टि रख कर मैं भगवन चरण शरण में हूँ आया। शब्दों से मैं बता न सकता प्रभु तुमसे क्या क्या पाया। नाथ आपने निज दृष्टि को
निज दृष्टा में लगा लिया। पर मेले जाने वाले जो कर्म शत्रु को भगा दिया। स्वतंत्रता का ध्वज फहरा कर चिन्मय देश विचरते हो। निजादीन अव्यय सुख पाकर नित आनंदित रहते हो। आत्मिक गुण गाऊं प्रभु तेरा ऐसी मुझको भक्ति दो। भक्ति रस चख पाऊं ऐसी इस रसना में शक्ति दो। बाह्य दृष्टि होने से अब तक देहिक गुण गाए स्वामी। मुझे ले चलो आत्मदेश में अर्ज करूं अंतर्यामी। बाह्य नयन से दिखते ना हो श्रद्धा नयनों से दिखते। भक्ति रस से भर जाऊं तब स्वात्म वेदी पर ही दिखते। तुम्हें देख अब ऐसा लगता क्या देखूं नश्वर जग को। तन मन जीवन धन सब तेरा मान लिया सब कुछ तुमको। देह बिना निज ज्ञान कक्ष में नाथ आप क्या करते हो। हो कृत कृत्य तद विभक्तों के मोह तिमिर को हरते हो। निज को देख लिया है ऐसे लोकालोक सहज दिखते। सकल गेय ज्ञायक हो तदपि निज से निज में ही रमते। नंत काल से नंत जीव को प्रभु मैंने तड़फाया है। किंतु क्षमा सिंधु तुमने ही सबसे क्षमा कराया है। नाथ आपकी विराटता का दर्शन मैंने यही किया। निज सम सब जीवों को माना मैंने सबको क्षमा किया। जब जब देखूं ऐसा लगता प्रथम बार ही देखा है। समीप पल पल रहना चाहूं किंतु कर्म की रेखा है। कर्मों की दीवार तोड़कर शीघ्र पास में आ जाऊं। पास आपके आ जाऊं तो निज को भी मैं पा जाऊं। भगवन में जब सम्मुख आऊं सब विकल्प शांति पाते। निर्विकल्प दशा पाने के भाव हृदय में भर जाते। एकमात्र ही शरण आपका अपूर्व आनंद देता है। जो सुत माँ की गोद प्राप्त कर आत्म शांति पाता है। प्रभु कृपा पाकर ही मुझको आत्म तत्व से रुचि हुई। आत्म दृष्टा प्रभु को लख कर दृष्टि मेरी शुचि हुई। जग के सारे जड़ वे भाव पा आत्म शांति ना तनिक मिली। जन्म अंध को नयन मिले त्यों हर्ष हर्ष मन कली खिली। पैर स्खलित होते हैं मेरे संभल नहीं मैं पाता हूँ। दृष्टि खींच कर लाता निज में फिर पर मैं खो जाता हूँ। आओ नाथ संभालो मुझको पर परिणति में जाने से। नहीं ध्यान रखती क्या माता सुत को नीचे गिरने से। जब मैं पर से दृष्टि हटा कर आप गुणों में खो जाता। अपना ही अस्तित्व भुला कर मात्र आपका हो जाता। इतने अच्छे लगते भगवन शब्द नहीं कुछ मेरे पास।
मात्र यही अनुभूति मुझको रहते पल पल मेरे पास। मानव कृति जगत में जितनी राग द्वेष से भरी पड़ी, कर्मों की परतों में लिपटी खरा रूप ना दिखे कहीं। वीत राग को जब से निरखा नजर कहीं ना टिकती है, आँख मूंद लूं तो भी भगवन छवि आपके दिखती है। ज्ञान कक्ष मेरा यह भगवन अनंत काल से मैला है, मोह जहर से व्याप्त हुआ मम आत्म हुआ विषैला है। कर्म वर्गणाओं को भी यह कर्म रूप कर देता है, कर्म बांध अज्ञान दशा में उदय समय पर रोता है। मैं ही मेरा हो ना पाया कौन यहाँ मेरा होगा, मात्र आपको अपना माना तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैंने अपना सारा जीवन प्रभुवर तुमको सौंप दिया, ही जिन निज का बोध करा दो अनगिन को भी बोध दिया। नाथ आपकी दिव्य छवि जब मेरे हृदय उतरती है, नंत भवों के कालुष को वह क्षण भर में ही हरती है। एक चिंगारी सारे वन को जो पल भर में दहती है, त्यों अविरल ही स्मृति आपकी पाप अनल को हरती है। अहम भाव जो पड़ा हृदय में वही मुझे दुख देता था, नाथ आपके समीप मुझको कभी न आने देता था। अरहत जिन तुमको लख कर अब अरहम भाव उतर आया, शाश्वत सुख ही पाना चाहूं और नहीं कुछ मन भाया। अनंत करुणा बरसाई प्रभु बस इतना ही मैं जानू, जग में रह जग को ना जानू नाथ आपको पहचानू। नाथ आपको अपना माना अब मुझको ना भय होता, बालक माँ की पकड़ अंगुली निर्भय होकर चल लेता। मेरे हृदय कमल पर कैसी आई दिव्य सुगंधी है, दिव्य कमल की परम महक यह नाथ आपके गुण की है। दूर रहे रवि पर सरवर के कमलों को विकसित करता, भक्त परम श्रद्धा से भगवन अति निकटता पा जाता। नंत गुणों की महक प्राप्त कर मेरा मन आह्लादित है, कब होंगे मम प्रगट नंत गुण वह शुभ घड़ी प्रतीक्षित है। ऐसी दिव्य सुगंध ग्राण बिन चेतन में भी आती है, असंख्यात आत्म प्रदेश में बगिया सी महकाती है। जब जब भगवन मैंने अपने अहम भाव को सुला दिया, तब तब अपने समीप में ही तुमने मुझको बुला लिया। नंद विराट रूप लख मुझको अति अचरज ही होता है, अब तक समय गवाया मैंने सोच यही मन रोता है। भगवन में आह्वान करो मम ज्ञान कक्ष में आ जाओ,
कर्म लुटेरे लूट रहे हैं मुझको निज धन दिलवाओ। आप धर्म नेता हो स्वामी शक्तिशाली मैं हूँ कमजोर, अतः पुकार रहा हूँ भगवन नजर करो एक मेरी ओर। मान लिया जब तुमको अपना जग से क्या लेना देना, जगत रूठ जाए तो भी प्रभु इससे मेरा क्या होना। मैं हूँ सिर्फ आपके जैसा यही आपने बतलाया, कितना अपनापन प्रभु मुझसे आज समझ में ये आया। नाथ आपकी कृपा न हो तो कैसे तब गुण गा पाता, मुझ पर नजर न होती तो क्या पास आपके आ पाता। पर विकल्प तज शोध बनाकर मुझे पास ले आते हो, कितने अपने लगते हो तब मेरे हृदय समाते हो। मन के सारे बाय द्वार को प्रभु सम्मुख या बंद किया, नाथ आपने मम चेतन में समकित मणि को दिखा दिया। सूरज से भी अधिक तेज में इसमें निज आत्म दिखता, जगमगात अनमोल मणि यह प्रभु कृपा बिन ना मिलता। भावों की भाषा को भगवन बिन बोले सुन लेते हो, नयन बिना खोले श्रद्धा की आँखों से दिख जाते हो। क्षेत्र निकटता की भी स्वामी नहीं जरूरत होती है, श्रद्धा पूरित चेतन में प्रभु उपस्थिति तब लगती है। प्रभु कृपा पाई जो मैंने प्रभु का ही गुणगान करो, प्रभु कृपा का सदुपयोग यह मान क्रोध छल नहीं करूं। मौलिक वस्तु को यदि माता सौंपे बालक के कर में, वस्तु गवा दे बालक तो माँ निज से दूर करे पल में। नाथ आपके स्मरण मात्र से आत्म पुलकित होता है, सब विषाद मिट जाते पल में मन निर्मल हो जाता है। बसे रहो प्रभु यूं ही हर पल सुख आनंद बरसता है, हुई चेतना मौन हृदय में अनुभव ही गहराता है। पूर्व अनंत भवों में मैंने अनंत जीव को तड़पाया, उन सब से मैं क्षमा मांग लूं भाव हृदय में भर आया। उन जीवों के निकट पहुँच कर कैसे क्षमा कराऊं मैं, आप सर्वव्यापी होने से शरण आपके आऊं मैं बिल्कुल ही शून्य पात्र था, आप कृपा से पूर्ण भरा, शुष्क हो रहा था यह पौधा हुआ आपसे हरा भरा। मौलिक श्रद्धा धन जो पाया प्रभु आपके कारण ही, अन्य आप सादाता जग में मुझको दिखता कहीं नहीं। इस भवन में कर्म सिंह से हूँ भयभीत बुला लो पास, या फिर मेरे आत्म में प्रभु एक बार ही कर लो वास। प्रभु आगमन की आहट से मैं निर्भय हो जाऊंगा,
स्वतंत्र होकर श्रद्धा पथ से चल कर निज ग्रह आऊंगा। भव वर्धक जग वैभव सारे मुझे अनंतों बार मिले, किंतु ज्ञान बाग में सम्यक पुष्प एक भी नहीं खिले। बागवान बन कर प्रभु आओ, अपनी वाणी से सींचो, सही न जाती विरह वेदना, अब निज ओर मुझे खींचो। जग के प्राणी जो नहीं सुनते वही आप सुन लेते हो, शब्दों की भी नहीं जरूरत बिना कहे दे देते हो। यही आपकी अनंत करुणा, छोड़ प्रभु अब जाओ कहाँ, जहाँ पिता परमेश्वर मेरे बालक भी अब रहे वहाँ। नाथ आपको हृदय बसा कर फिर क्यों मैं बाहर आता, बुला रहा मुझको कोई यह बार बार भ्रम हो जाता। इसी तरह प्रभु प्रमाद वश में अभिनय बार बार करता, क्षमा कीजिए भगवन मुझको भावों से मम मन कहता। निकट आपके जो पल बीते वो ही सफल हुए स्वामी, अपूर्व स्वर्णिम अवसर थे वो पुलकित हुआ हृदय स्वामी। हर पल वह रस पीना चाहूं और नहीं कुछ मन भाता, बार बार मन विकल्प तज कर पास आपके आ जाता। कितना अच्छा लगता भगवन आप गुणों में खो जाना, जग में एक अकेला होकर मात्र आपका हो जाना। भक्ति कोप को मेरे भगवन और अधिक अब गहराओ, श्रद्धा जल से भरित कूप को आकर पावन कर जाओ। नाथ आपके गुणों ध्यान में विचरण करने जब आया, कषाय रिपु तब शीघ्र निकटया, चित्त पकड़ बाहर लाया। चौकषाय को मीत बनाकर नाथ बहुत पछताता हूँ, कुछ उपाय बतला दो भगवन इसे छोड़ना चाहता हूँ। भक्ति की मेरी रीत न जानो नाथ आप ही सिखला दो, अपने शाश्वत अनंत गुण में प्रवेश मुझको करवा दो। एक एक गुण का भावों से गहन गहन तम चिंतन हो, इस जीवन का सदुपयोग हो भगवन इतना संबल दो। महाभयानक भव अटवी में मुझे न अब भय लगता है, क्योंकि बसे हो आप हृदय में अतः निडर मन रहता है। कर्मों की जो घनी वनी है उससे अब क्या घबराना, कर्म अचेतन में हूँ चेतन स्वात्म शक्ति को पहचाना। पुण्य मुझे जो भटका दे वह पुण्य कभी भी ना चाहूँ, मुक्ति तक जो पहुँचा दे वह पुण्य सातिशय अपनाऊँ। पुण्य भाव में अहम भाव से मुझे न किंचित सौख्य मिला, जब से विरत हुआ मैं इनसे नाथ आपने दर्श दिया। मेरी लघु श्रद्धा वेदी पर आ विराजे जब स्वामी,
हर्षित हो तब आत्म गुणों का आवानन करता स्वामी। स्वानुभूति के गीत गूंजते बजे विरागी शहनाई, पल पल मेरे हृदय विराजो हे मेरे प्रिय जिन राई। नाथ आप सम हो जाने की मुझ में प्यास जगा देना, यही अरज है जहाँ आप है मुझको शीघ्र बुला लेना। जिस पथ से प्रभु आप गए हैं वह पथ मुझको दर्शा दो, चलने की श्रद्धा ओ शक्ति नाथ आप ही प्रगटा दो। देहादिक के कार्य किए पर लगता कुछ भी किया नहीं, प्रभु भक्ति कीर्तन करने से लगा कार्य कुछ किया सही। स्वात्म ध्यान पल भर भी हो तो लक्ष्य दिखाई देता है, हे कारुण्य धाम जिन वर्तव करुणा से यह होता है। गहन प्रेम का प्रतीक है यह आप अकेले में मिलते, किंचित भी यदि विकल्प हो तो प्रभुवर आप नहीं दिखते। एक अकेला हो जाऊं बस यही भावना है स्वामी, देह रहित हो विदेह पद को पा जाऊं अंतर्यामी। निज स्वरूप रत रहने वाले मुझको पर से विरत करो, निज गुण की महिमा बतलाकर मुझको निज में निरत करो। सारे जग में एकमात्र प्रभु आप परम हितकारी हो, मुझे भरोसा पूर्ण आप पर दया सिंधु उपकारी हो। पल पल मुझको देख रहे पर नहीं आपको देख सका, तीन लोक में घूम लिया पर ढूंढ ढूंढ कर बहुत थका। दिव्य ध्वनि से पता चला कि तुम मुझ में ही रहते हो, दिया तले अंधेरा है यह निज प्रभु मुझ में बसते हो। ज्ञान गगन में आप चंद्रमा में धरती की धूल प्रभो, क्षमा सिंधु हो आप प्रभु में पल पल करता भूल विभो। कहाँ आप और कहाँ प्रभु में फिर भी मुझको अपनाया, आप वीत रागी में रागी फिर भी तव शरण पाया। तेरा दिया हुआ प्रभु सब कुछ तू ही मेरा दाता है, शरण आपकी पाकर मैंने पाई आत्म साता है। किसी अन्य दर पर जाने की नहीं भावना शेष रही, वीत राग की छाव मिल गई कोई कामना शेष नहीं। ज्ञान रूप दर्पण में मेरे जब प्रभु छवि उभरती है, उसी छवि में मुझको मेरी आत्म निधि झलकती है। उस पल ऐसा लगता भगवन अब कुछ पाना शेष नहीं, नाथ आप में दिख जाता है मुझको चिन्मय देश सही। प्रिय मित्र से अंतर मन की सारी बातें कह सकते, किंतु आपसे निजात्म की भी अद्भुत बातें कह सकते। इसलिए तो बार बार रुचि पूर्वक आप निकट आता,
नाथ आपकी समीपता से पाता हूँ अनुपम साता। बिहड़ भव कानन में भगवन एक आपकी ज्योति है, सारा जग जल बिंदु सम प्रभु अपूर्व अद्भुत मोती है। नाथ आप जैसे होने की मात्र हृदय में आस जगी, स्वात्म ज्ञान सरोवर के जल को पीने की बस प्यास लगी। गिरी कंदरा और गुफा में ढूंढा भगवन नहीं मिले, जब जब बैठा आँख मूंद कर निज में ही प्रभु आप मिले। परम सुरक्षित स्थान आपका पर का जहाँ प्रवेश नहीं, नाथ मुझे भी पहुँचा देना अष्टम चिन्मय देश मही। निकट बैठने योग्य बनाया यह क्या प्रभु कृपा कम है, बैठ न पाया सिद्धालय में अब तक ये मुझको गम है। दिव्य ध्वनि से नाथ आपने नंत नंत उपकार किया, फिर भी प्रभु रहा अभागा मोह वशी भव भ्रमण किया। विरागता अनुभूत हुई जो यही भक्ति का फल मानू, राग द्वेष में बीत गए क्षण उनको निष्फल ही जानू। नाथ आपके गुण वादन में जीवन का हर पल बीते, अंत समय में नयन बंद हो भक्ति रस पीते पीते। जैसे निजी मित्र से अपने मन की बातें कर सकते, वैसे निज आत्म की बातें नाथ आपसे कर लेते। यद्यपि आप कुछ नहीं बोलते फिर भी सब कुछ कह देते, सुनते हुए न दिखते हो पर बिना कहे ही सुन लेते। मन में आप वचन आत्म में नाथ आप ही आप बसे, फिर भी प्रभु प्रत्यक्ष दर्श को मेरे दो नैना तरसे। देह रहित कैसे होंगे प्रभु बार बार मन पूछ रहा, वीत राग एक एक गुण के प्रभु गहराई में डूब रहा। जो अनमोल निधि दी उससे पूर्ण कैसे हो मैं, एकमात्र ही उपाय है बस तुम जैसा बन जाऊं मैं। तभी सर्व ऋण चुक पाएगा यही समझ में आता है, करूँ रात दिन बात आपकी यही हृदय को भाता है। यद्यपि आप भी पर हो स्वामी किंतु परम कहलाते हो, आप अन्य होकर भी भगवन अनन्य जैसे लगते हो। कहे भले जगवासी अपना पर सब स्वार्थ सपना है, दिव्य ध्वनि में कहा आपने केवल आत्म अपना है। जगत जनों को देखा जाना फिर भी मेरे नहीं हुए, अब तक ना देखा प्रभु तुमको फिर भी मेरे मीत हुए। कितना निर्मल स्वभाव भगवन भव्यों का मन हरता है, प्रेम दया करुणा का झरना नाथ आप से झरता है।
आप परम में पावन भगवन में हूँ पतित आप पावन मैं हूँ पत झड़ बारह मास बरसने वाले तुम सावन अपनी दिव्य शक्ति को भगवन मेघ धार बन बरसा दो नंत काल से मेला बालक करुणा करमा नहला दो जब जब भक्ति द्वार से भगवन आप शरण में आता हूँ मान गलित हो जाता तत्क्षण लघुता को पा जाता हूँ किंतु जब जब बुद्धि द्वार से अहम भाव भर कर आया निज दर्शन की बात दूर है जिन दर्शन ना कर पाया हृदयांगन को स्वच्छ कर दिया नाथ शीघ्र अब आ जाओ पाप धूल कहीं जम ना जाए आ जाओ प्रभु आ जाओ पंचेंद्रिय मन द्वार खुले हैं अतः नाथ घबराता हूँ रहे आपके योग्य हृदय बस यही भावना भाता हूँ नाथ आपकी पावन मूरत जब से मेरे नयन बसी सच कहता हूँ तब से भगवन अन्य दर्श की चाह नशी दिव्य तेज मय रूप आपका समान पाया अपने में इसीलिए तो नयन बंद कर दर्श करूँ प्रभु सपने में नहीं मांगता नाथ आपसे मेरे दुख का क्षय कर दो दुख से सकूं शांत भाव से मुझ में वह शक्ति भर दो नहीं कामना इंद्रिय सुख से मेरी झोली भर जाए निजानुभव करके मम आत्म भवसागर से तर जाए पास नहीं वह आंखें मेरे जिससे तुमको देख सकूं वाणी पास न मेरे जिससे व्यथा आपसे बोल सकूं जान सकूं है नाथ आपको ज्ञान नहीं वह मेरे पास श्रद्धा की दे सकूं निशानी वस्तु नहीं कुछ मेरे पास तब करुणा के आगे सारे जग का वैभव तुच्छ रहा जो पल बीता तब चरणों में पल पल वह अनमोल रहा मन ये सार्थक हुआ नाथ अब तब गुण का चिंतन करके सफल हुए ये नयन आज प्रभु भक्ति के अश्रु जल से जगत जनों की अनुरक्ति से हुआ जगत का ही वर्धन जड़ पदार्थ से राग किया तो हुआ कर्म का ही बंधन जब संबंध किया प्रभु तुमसे निज प्रभुता का भान हुआ व्यर्थ गवाया काल अभी तक ही जिनवर यह ज्ञान हुआ विरह वेदना सही न जाते नाथ समीप बुलाओ ना या फिर अपने भक्त हृदय में आप शीघ्र आ जाओ ना नाथ आपके चरण कमल इस भक्त हृदय में बस जाए या फिर मेरा हृदय कमल यह तब चरणों में रह जाए नाथ दूर हटते ही तुमसे यह दुष्कर्म सताते हैं निज शुद्धात्म ग्रह से बाहर ले जाकर तड़पाते हैं
नौकर को बुला बुला कर दुख देते हैं मुझे अपार, फिर भी मैं इनके धोखे में आ जाता हूँ बारंबार। हे जिनवर तब दर्शन से ही दिव्य परम रस पान किया, सर्व विकार अन्य है मुझसे ऐसा तुमने ज्ञान दिया। फिर मैं विभाव परिणतियों से मेरा मन घबराता है, निर्विकल्प निज स्वभाव में प्रभु आत्म रहना चाहता है। मैं अज्ञानी अबोध बालक कर्म मैल से गंदा हूँ, मेरे पास ज्ञान चक्षु है फिर भी प्रभु मैं अंधा हूँ, क्योंकि निज का आत्म मुझको नहीं दिखाई देता है। इसीलिए बालक प्रभु तेरा तेरे लिए तरसता है। क्या निज पिता पुत्र को अपना वैभव नहीं दिखाता है, अपने सुत को निजी वंश की सारी रीत सिखाता है। मैं हूँ आप वंश का भगवन, दर्शन दो निज वैभव का, पूज पिता सम प्रभु कृपा से मिट जाए दुख भव भव का। जब बालक रोता है तब माँ आकर उसे उठा लेती, सुत का रोग जान कर माता औषध से पिला देती। वीतराग प्रभु जननी अपने सुत को चरण शरण लोना, अनादि से रोते बालक को जिन वच सुधा पिला दोना। नाथ आपके अनंत गुण की जब जब महिमा आती है, सच कहता हूँ पर की चर्चा किंचित नहीं सुहाती है। नाथ आपकी परम कृपा से आज यहाँ तक आ पाया, और तनिक हो जाए कृपा तो पाऊँ ज्ञान परम काया। बड़ी बड़ी चट्टान कर्म के तव दर्शन से रोक रही, तूफाओ पुरजोर आंधियां स्वभाव जल को सोख रही। विकार से पूरित दरिया में डूबा नाथ बचाओ तुम, दो हस्तावलंब प्रभु अपना अपने निकट बुला लो तुम। आज्ञाकारी पुत्र पिता से मन चाहे वस्तु पाता, परम पितामह भगवन तुमसे सब कुछ मुझको मिल जाता। चाह किए बिन कल्प तरो सम फल देते प्रभु परम उदार, परम कृपालु नाथ आपको अतः नमो मैं बारंबार। अनंत गुण मणि का प्रकाश मुझ चिदात्मा में भरा हुआ, इनकी सम्यक ज्योति में ही निजात्मा का दर्श हुआ। इन गुण ज्योति में इतनी शक्ति लोकालोक निहार सके, इस शक्ति को प्रगटाया प्रभु मुझ में भी शक्ति प्रगटे। निर्वांछक भावों से भगवन भक्ति आपकी करता हूँ, किंतु आपसे जुदा करे उन कर्म फलों से डरता हूँ। मुझसे सब कुछ छिन जाए पर भक्ति आपकी बनी रहे, इतनी कृपा रहे प्रभु मुझ पर श्रद्धा तुम पर घनी रहे।
हे भगवन में अहो भाव से जितना जितना भरता हूँ, ऐसा लगता नाथ आपके अति निकट ही रहता हूँ। मेरी श्रद्धा की डोरी को कोई काट नहीं सकता, हे विश्वास अटल प्रभु के बिन कोई न मेरा हो सकता। तेरी भक्ति में अंतस के नंद दीप जल उठते हैं, तेरी चर्चा से है जिनवर मौन मुखर हो जाते हैं। तेरे दर्शन से आत्म के प्रदेश सुमनो सम खिलते, आप मिलन से ऐसा लगता निज परमात्म से मिलते। नाथ आप हो विराट कैसे मेरे हृदय समाओगे, मैं हूँ पतित आप हो पावन मम ग्रह कैसे आओगे। यही सोच कर चिंतित था पर नाथ आज निश्चिंत हुआ, श्रद्धा के लघु दीपक में जो अपूर्व दीपक समा गया। मात्र आप सम हो जाने की इस आत्म में प्यास जगी, नाथ आपकी समीपता से अर्ध निशा भी दिवस लगी। नहीं चाह पर पदार्थ की अब आप मैं हो जाओ, विभाव मैं परदेश छोड़कर चिन्मय देश पहुँच जाऊँ। नाथ आपकी भक्ति से मम हृदय कली चट चट खिलते, पवित्र अद्भुत ऊर्जा पाकर अनुपम आत्म शांति मिलती। चित्त शांत होता तब अद्भुत नाद सुनाई देता है, उस पल में प्रभु आप और में और न कोई होता है। चिन्मय गुण की शुद्ध गुफा में है भगवन तुम बसते हो, चित शक्ति जह जगमग करती देव ज्योति मय लखते हो। हे प्रभु तब प्रकाश सन्निधि में मिथ्या तमस तिरोहित हो, तब वचनों की अपूर्व द्युति से मेरा जीवन बोधित हो। जब जब टूटा नाथ आपका यह वात्सल्य जोड़ देता, जब जब कर्म धूप से झुलसा कृपा छाव तेरी पाता। सचमुच आप अनन्य मीत हो अद्भुत करुणा बरसाते, इसीलिए तो नयन आपको देख देख कर हर्षाते। भव सिंधु में डूब रहा तब था विश्वास बचाओगे, जब जब कर्म तपन से बिखरा था विश्वास समेटोगे। जब जब गिरा उठाया तुमने तुमको पाकर सब पाया, जगा दिया मैं जब जब सोया माता जैसा सुख पाया। हर पल तेरे आशीषों की वर्षा में ही जीता हूँ, वरना कब से मिट जाता यह देह सोचता रहता हूँ। आप कृपा की खुशबू मुझको हर पल पुलकित करती है, मन वीणा के तार तार को झंकृत करती रहती है। मेरा शुभ उपयोग नाथ सानिधि आपका नित चाहे, क्योंकि आपकी सन्निधि मुझको बतलाती शिव की राहें। एक पल का भी विरह आपका सहा नहीं अब जाता है,
नाथ तुम्हें बिन देखे मुझको रहा नहीं अब जाता है। नाथ आप यदि दूर रहे तो कौन मुझे समझाएगा, राह भटक जाऊं तो मुझको सतपथ कौन दिखाएगा। यही सोच पल पल में भगवन पास आपके रहता हूँ, तब चरणों में रहूं सुरक्षित कर्मों से मैं डरता हूँ। विकल्प जब आ घेरे मुझको नाथ आप ना दिख पाते, विस्मित सा रह जाता तब मैं आँखों से आंसू बहते। नाथ प्रार्थना करके तुमसे जाल विकल्पों का हटता, तभी आपके दर्शन में ही निज का मैं दर्शन करता। नाथ आपका गुण अनुवादन किंचित भी ना कर पाता, पूर्ण ज्ञान मति आप में अल्प ज्ञान मति शर्माता। तब सन्निधि में बैठ सको बस इतनी शक्ति दे देना, तब अनंत गुण निरख सकूं बस इतनी भक्ति दे देना। जिन अणुओं की देह धरी थी उनको वापिस लौटा दे, मलिन देह को परम औदारिक अनुपम शुद्ध बना कर दी, अशुद्ध को भी शुद्ध बना कर देना यह सज्जन की रीत। ऐसे गुण सागर जिन वर को मानू शाश्वत अपना मीत, तन मन प्राण रहित होकर भी नाथ आप जी लेते हो, निराहार होकर स्वातम रस एकाकी पी लेते हो। कहलाते हो निराकार पर कितने अनुपम दिखते हो, सिद्धालय वासी होकर भी मम आत्म में बसते हो। जब से रिश्ता जोड़ा तुमसे जग से रिश्ता टूट गया, कृपा आपकी मिली तभी से शिव का मार्ग सूझ गया। जब मैं केवल आत्म रहता तब ही आप मुझे मिलते, अतः अकेला अच्छा लगता क्योंकि आप मिलते रहते। लिखने का उद्देश्य नहीं कुछ, मात्र स्वयं को लख पाओ, शाब्दिक भक्ति रहे न केवल, रत्नात्रय रस चख पाऊं। चाह यही भगवान बनूं पर प्रमाद मुझको घेर रहा, अंतर कृपा करो प्रभु ऐसी पाऊं शाश्वत शरण महा। हे भक्ति के स्वर अब मुझको निज भगवन से मिलवा दो, अंतर अनहद नाद सुनाकर चिन्मय आनंद बरसा दो। स्वानुभूति की लय में प्रभु की निर्जन वन में ध्वनि सुनो, अपूर्व आत्मा नंद प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान पा।
मनु चूल गिरी श्री सिद्ध क्षेत्र जहाँ अद्भुत शांति मुझे मिली। विशाल जिन बिंबों के दर्शन कर अंतस की कली खिली। प्रभुवर को सर्वस्व मान कर तीन योग से भक्ति की। गुरु को अर्पित भक्ति शतक यह गुरु करे मम पूर्ण मती। गुरु को अर्पित भक्ति शतक यह गुरु करे मम पूर्ण मती। गुरु करे मम पूर्ण मती। गुरु करे मम पूर्ण मती। बावन गजा के श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय।